नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कोलकाता का वन ऑफ द फेमस सुभाष सरोवर लेक, जो कि ठीक मेरे पीछे है। आप ये जगह देख सकते हैं, ये जस्ट आपको CIT मोड से थोड़ा सा चल के आपको ये जगह मिल जाएगा। ये जगह पूरा टूर में आपको देने वाला हूँ। पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, फिश वगैरह ये पकड़ी जाती है, और आपको मैं दिखाऊंगा इसके पूरा का लेक का आसपास का कैसा नज़ारा है, क्या क्या चीज़ आपको इन्जॉय करने को मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो की एंड तक। तो दोस्तों, ये रहा एक ओवरऑल व्यू, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मेट्रो है, देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो है। तो मेट्रो यहाँ का पास का मेट्रो है फुल बगान मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ पे भी आप उतर के यहाँ पे आ सकते हैं पूछ कर लोगों से। तो एक अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पे कि बहुत ही काम वेदर है, बहुत ही काम, लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ अच्छे से, लाइक सराउंडिंग में आए, पूरी ग्रीनरी है। अगर आपको देख सकते होंगे आसपास मेरे, पूरे ग्रीनरी है, और कपल्स के लिए तो बेस्ट जगह है क्योंकि बहुत ही खाली टाइप का ये जगह है और बहुत ही लाइक कम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ठीक मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कुछ लोग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, वहाँ पे दूर में वो लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिशिंग का यहाँ पे सीन ये है कि 350 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। ऐसे तो एंट्री यहाँ पे फ्री है, पर 350 रुपीज़ आपको देना पड़ता है अगर आपको फिशिंग करना है। तो चलिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है यहाँ। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आज एक्चुअली बंगाली न्यू ईयर भी है, तो शुभ नव वर्ष उसके लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी सारी ग्रीनरी वगैरह भी है यहाँ पे, और ग्रीनरी वगैरह, और सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि बैठने का जगह भी यहाँ बनाया गया है, अगर आप देख सक रहे होंगे। तो साथ साथ ये लाइट का डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है। इसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ आसपास में सोसाइटीज़ भी है, तो जिनका घर यहाँ पे आसपास होगा वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते होंगे इस व्यू को। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और एक वॉक थ्रू बनाया गया है ताकि आप पूरे सराउंडिंग में चल सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी कुछ ट्रीज़ वगैरह काटी गई है कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ पे यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये पूरा वॉक थ्रू है। देखिए यहाँ से आप चलते हुए पूरा जाएंगे, अब पूरा सराउंडिंग आप घूम सकते हैं इस लेक का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मेरे को लगा कि यहाँ से शायद जगह मिल जाएगा मुझे जाने का, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है और कुछ घर वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाव देख सकते हैं, मछुआरे लोग शायद यहाँ पे मछली वगैरह पकड़ते हैं। काफ़ी थोड़ा अजीब सा स्मेल कर रहा है यहाँ पे, लग रहा है ऐसे जो कच्चे मछली की स्मेल आती है रेफ्रिजरेटर में रख के, वैसा टाइप का स्मेल कर रहा है। बट जो व्यू है, व्यू का आप बयान नहीं कर सकते हैं वर्ड में, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक ऐसे आप पेंटिंग बनाते होंगे वैसी व्यू आ रही है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ सब। इसी के साथ एक बात और मुझे याद आई जो बता रहे थे, एक रिलेटिव है उनका अराउंड 88 ईयर्स या समथिंग उसके अराउंड ही एज है, तो बता रहे थे पहले ज़माने जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो यहाँ पे ये ग्राउंड हुआ करता था और वो यहाँ पे सिर्फ खेलते थे, और उस समय ये डिग किया जा रहा था। तो ये आर्टिफिशियल वाटर नहीं है, ये रियल वाटर है। एक्चुअली डिग करके ही ये पानी नीचे से आया, मतलब पाताल से ये पानी आया है, और उस समय ये पानी आप पी सकते थे, इतना प्योर था। बट अभी ऐसा बोला गया है कि पता नहीं क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर इतना प्योर नहीं है ये पानी, बट यहाँ पे फिशिंग जरूर होती है। फिशिंग करने के लिए आपको 350 रुपीज़ देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, उसके बाद ही आप यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं, ऐसे तो एंट्री फ्री है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बेलियाघाटा का यंग मेंस राइफल क्लब भी है, और सामने में आप देख सकते हैं तो काफ़ी कपल लोग यहाँ पे आते हैं जितना मेरे को सुनाई पड़ा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये राइफल प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, सुनाई पड़ा ऐसा कुछ, और काफ़ी कपल्स यहाँ पे आते हैं। ये देखिए इसका वॉक थ्रू कितना अच्छा लग रहा है शाम को, अभी थोड़ा डार्क हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं सामने मेट्रो जा रहा है, तो यहाँ मेट्रो स्टेशन भी अवेलेबल है। यहाँ पे फुल बगान मेट्रो स्टेशन, इसका पास मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उतर के आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो एक और बात यहाँ पे कि यहाँ पे हर तरह के एज के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, और सबसे बेस्ट यहाँ पर है कि रील्स बनाने का जगह यहाँ पर बहुत बेस्ट है, फोटोशूट करने की जगह बहुत बेस्ट है। और यहाँ पीछे में देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क भी है, अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो चिल्ड्रंस पार्क भी है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन लोग को भी आप ला सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है ये, लाइक फ़ोटो वोटो ले सकते हैं आप। कपल्स के लिए तो बहुत बेस्ट बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत शांत इलाका है, और आज नव वर्ष है, लाइक बंगाली न्यू ईयर है बोल के यहाँ पे इतने लोग हैं, नहीं तो यहाँ पे इतने लोग आते नहीं हैं। एंट्री भी फ्री है, बैठने की भी जगह दी हुई है, काफ़ी सारी जगह बनाई हुई है, डस्टबिन वगैरह भी हैं, सब चीज़ की फैसिलिटी इतनी अच्छी है। ये देखिए लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ फ़ोटो खींचने की बहुत अच्छी जगह है, और बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये देख सकते हैं चिल्ड्रन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। Golden state of mind. We are the golden state.
अभी हम आ गए हैं चिल्ड्रंस पार्क में। ये मेरे आसपास आप देख सकते हैं पूरा चिल्ड्रंस पार्क का झूला वूला लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ये है कि लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी यूनिक तरह का झूला लगाया हुआ है, जैसा हुआ पहाड़ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अगर आप देख सकते होंगे तो। और उसके बाद से जाके ये पेड़ में लगाया हुआ है शीशा वाला झूला, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक झूले यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं निकल रहा हूँ इससे, क्योंकि यहाँ पे एक टॉर्च मैन आते हैं जो आपको हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लाइट हो जाती है रात को। और सुन सकते हैं आप कितना आवाज़ हो रहा है, सारी चिड़िया यहाँ पे कितना ज़्यादा बोलती हैं। तो ये सब जगह भी मेरे को जाना पड़े जल्दी से, क्योंकि बहुत खतरा है यहाँ पे टॉयलेट वगैरह ना कर दे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों, चैनल लाइक जो कि सब्सक्राइब जो कि, और इसी के साथ मैं बोलता हूँ आपको शुभ नववर्ष हो। तो बाय।